नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फुटपंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जा रहा है, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी दो रेसिपी लेके आई हूँ। एक तो वेजिटेबल वाली रेसिपी है पालक पनीर, और दूसरी मैंने स्वीट की रेसिपी लाई है, बहुत ही डिलीशियस डिजर्ट है। तो आइए सबसे पहले पालक पनीर बनाते हैं। पालक पनीर के लिए मैंने सरसों के तेल को गरम कर लिया और उसमें मैंने एक टेबलस्पून जीरा डाला है। जीरा को हम बढ़िया से क्रैकल करने देंगे। जब जीरा बढ़िया से फ्राई हो जाए तब फिर हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब मैंने इसमें पेस्ट डाला है, जिसे मैंने टोमेटो और ऑनियन को डालकर ग्राइंड किया था, और साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया है। अब हम इन तीनों मसालों का कच्चापन अच्छे से दूर करेंगे। हमें इसे इतना भूनना है कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और ये थोड़े से भून जाए। अब मैंने जब इन तीनों मसाले भुन गए थे तो मैंने इसमें अपने रेगुलर मसाले डाले हैं। सबसे पहले मैंने एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, और मैंने एक टीस्पून ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। अब मैंने इसमें धनिया और जीरा पाउडर डाला है। धनिया और जीरा पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। धनिया और जीरा के साथ ही मैंने इसमें थोड़े से गरम मसाला भी पीसे हुए डाल दिए थे पाउडर, और अब मैंने इसमें सॉल्ट स्वाद के अनुसार डाल दिया है। मैंने पालक को पहले से ही थोड़ा सा ब्लांच करके उसका पेस्ट बना लिया था। ब्लांच करने के लिए मैंने देखिए मैंने पालक के प्यूरी को डाल दिया है। पालक को ब्लांच करने के लिए मैंने उबलते हुए पानी में धोए हुए पालक को डाल दिया, और लगभग 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे बॉयल होने दिया। उसके बाद इसके पानी को फेंक के मैंने इसे तुरंत ही ठंडे पानी में डाल दिया, जिससे पालक का ग्रीन कलर बना रहता है। और ठंडे पानी में डालने के बाद मैंने इसे निचोड़कर इसका पेस्ट बना लिया है। और अब मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। पनीर को मैंने फ्राई बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि फ्राई करने से पनीर बहुत ही चुई हो जाते हैं, और पालक पनीर में पनीर क्रीमी टेक्सचर के ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसे फ्राई नहीं किया है। और अब मैं इसमें क्रीम डाल दूंगी। क्रीम मस्ट है, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप ताजी मलाई को भी फेंट कर इसमें डाल सकते हैं। क्रीम डालने से पालक पनीर में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है, इसलिए आप थोड़ा सा क्रीम या घर की मलाई हो तो उसे अच्छी तरह से फेंट कर 2 चम्मच मलाई भी डाल सकते हैं। पालक पनीर बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनती है। इसका कुकिंग टाइम, अगर आपके पास ब्लांच आपके पास स्पिनेच हो तो मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल में ये पालक पनीर का टेस्ट आता है।
आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बना के इसका फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। थोड़ा देर मैं पनीर डालने के बाद पालक को और अच्छी तरह से भून लूँगी। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आप ग्रेवी के लिए अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने लगभग 1 कप पानी डाला है, छोटे कप से। आप चाहें तो उससे भी कम पानी डालें, या केवल भुने हुए ही पालक पनीर को रख सकते हैं। देखिए मेरी पालक पनीर बनके बिल्कुल तैयार है, रेडी टू ईट, और इसे मैंने सर्व कर दिया है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बतलाएंगे कि आपको मेरी ग्रेवी कैसी लगी। मैं स्वीट की रेसिपी की तरफ आती हूँ। सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज केक, जिसे घर में बनाया है, उसके मैं स्क्वायर में पीसेज काट लूँगी। देखिए मैंने सभी अपने स्पॉन्ज केक के, जिसे मैंने घर में बनाया था, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अच्छे बने थे, मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका डाला है रेसिपी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूंगी। बहुत ही टेस्टी बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो मैंने स्क्वायर में काट के अपने स्पॉन्ज केक को अपने बॉल में चारों तरफ से अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है, और अब मैं इसमें ऑरेंज के जूस डालूंगी। मैंने ताज़े ऑरेंज को नीचे ताजे ऑरेंज का जूस लिया है। आप चाहें तो किसी भी फ्लेवर का कोई भी जूस ले सकती हैं। हमें स्पॉन्ज को थोड़ा सा इसमें भिगोना है, जिसमें कि हमारे स्पॉन्ज में एक ऑरेंज का फ्लेवर आ जाए और बहुत ही टेस्टी लगे। साथ ही मैंने कस्टर्ड बना के ठंडा कर लिया था, और उसमें मैंने फ्रूट डाल दिए थे। इसमें मैंने केवल अब एप्पल डाला है और अंगूर डाला है, इसके सिवा मैंने नहीं कुछ नहीं डाला है। इसमें मैंने बनाना भी नहीं डाले हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं। और अब मैंने इस स्पॉन्ज के ऊपर इसे अच्छी तरह से अरेंज करके डाल दिया है। देखिए इसे अच्छी तरह से मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसके ऊपर खुबानी का मीठा डालूंगी। खुबानी के मीठा की रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में डाली है, प्लीज़ आप उसे चेक कर लीजिएगा। इन तीनों का बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी डेजर्ट बनता है। और अब मैं इसे खुबानी के मीठे से डेकोरेट कर देंगे। वैसे भी खुबानी का मीठे, या तो मैंने पहले भी बताया था, या तो क्रीम या मलाई के साथ टेस्टी लगते हैं, या फ्रूट सलाद में अच्छे लगते हैं, या फिर कस्टर्ड के साथ। तो इसलिए आज मैंने फ्रूट कस्टर्ड को खुबानी के मीठे से के साथ और केक स्पॉन्ज के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही टेस्टी डिजर्ट है, प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ऑरेंज का भी फ्लेवर है, इसमें वनीला कस्टर्ड का भी फ्लेवर है, खुबानी के मीठा का भी एक अलग ही स्वाद और टेक्सचर है, साथ ही स्पॉन्ज केक का तो स्वाद है ही। प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। मैंने ऑलरेडी ऑरेंज केक के डाले हैं, और मैंने ऑलरेडी खुबानी का मीठा का डाला है। अगर आप कहेंगे तो मैं कस्टर्ड तो वैसे सबको लगभग बनाने आते हैं, और कस्टर्ड मैंने ठंडा करके इसमें फ्रूट्स काट के डाल दिए थे। मैंने इसमें एप्पल और इसमें मैंने ग्रेप्स डाले हैं, और कुछ भी नहीं। और देखिए अब मैं बर्मीसिली से, जो टॉफ़ी की बर्मीसिली आती है, उससे मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगता है।
फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, प्लीज़ प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि से आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैंने इसे थोड़े चॉकलेट बर्मीसेली से भी मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है, और लास्ट में मैं इसमें पोमोग्रेनेट के दाने डालूंगी जिससे यह देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और खाने में तो लगेंगे ही। इसलिए दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर थम्स अप दबाइएगा और बेल भी ज़रूर दबाइएगा जिसमें मेरे आने वाली रेसिपी की सब आपको देखिए। दोस्तों मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही अच्छी लग रही है रेसिपी, केवल देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी है, प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा।